यानी t स्क्वायर माइनस का 15 और इक्वल 0 ठीक है ना। अब यहाँ पर लेट करके बेटा, क्योंकि लेट क्यों किया हमने, इन दोनों को किसके बराबर रखा हमने, इसलिए हमने लेट करा बेटा, माना है ना। अब यहाँ पर बेटा इसको यानी कि ये प्लस का है, ये इक्वल के उधर जाएगा क्या होगा, माइनस का। तो टी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 15 है ना, यानी माइनस का था उधर गया बेटा प्लस का। अब बेटा स्क्वायर हटता क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्लस माइनस और 15 ठीक है ना। अब यहाँ पर दो वैल्यू आ रही बेटा, एक वैल्यू आ रही टी की बेटा, यानी टी बराबर प्लस लिया बेटा रूट 15 है ना, और एक आ रहा बेटा माइनस लिया यहाँ पर टी बराबर माइनस का रूट 15, यानी यहाँ पर दो वैल्यू आई बेटा अपने 15 और माइनस का 15, माइनस के 15 आगे बेटा। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई स्क्वायर है और इधर बेटा वन है तो स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस रूट में आ जाता है, यानी कि स्क्वायर हटता। अगर ये दोनों अगर कभी बेटा अगर ये स्क्वायर हटता है, मान लो स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर, यानी कि रूट हटता है तो क्या स्क्वायर लगेगा, और स्क्वायर हटता है तो क्या प्लस माइनस रूट लग जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, पहले तो 15 को किधर भेजा हमने, इक्वल के उधर, तो माइनस का था उधर गया बेटा प्लस का, फिर स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस यहाँ पर कितनी वैल्यू आई बेटा, यहाँ पर दो, कितनी वैल्यू दो, एक प्लस की और एक माइनस की। हमने पहले प्लस का अलग किया बेटा, प्लस का चेंज लिया बेटा, और यहाँ पर टी बराबर प्लस का 15 और एक माइनस चेंज लिया बेटा, तो प्लस टी इक्वल माइनस का 15। अब यहाँ पर टी बराबर दो वैल्यू आई बेटा, ये हमारा आंसर होगा।